तो चलो कल के लेक्चर में कुछ खास हम लोग किए नहीं थे, फिर अगर कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो, और नहीं है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आज पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अगर पढ़ के आए हो तुम लोग तो क्विकली कोई भी बोलो स्टेटमेंट इसका क्या है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिवम बॉडी जीरो है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर किसी बॉडी पे जीरो है तो, या किसी नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑब्वियसली किसी पॉइंट के अबाउट होगा या किसी एक्सिस के अबाउट होगा, वो बोलना ज्यादा सही होता, बट ठीक है तुम बोल रहे हो तो या ज़ूम्ड है किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पे किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट जीरो है, तो उस पॉइंट या एक्सिस जिसके अबाउट टॉर्क जीरो आ रहा है उसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा होता, कंजर्व्ड जी भाई। स्टेटमेंट यही है, तुम लोग सही बोल रहे हो। उसका अगर लॉजिक की बात करें कैसे बोला गया तो बहुत ईजी है, कल हम लोग टॉर्क को एंगुलर मोमेंटम से रिलेट किए थे, उसी इक्वेशन से आता है एक्चुअली। टॉर्क इज इक्वल टू अपने पास था डीएल बाई डीटी, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी, कल ये इक्वेशन हम लोग लिखे हुए थे। टॉर्क जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, तो इस इक्वेशन में जो टॉर्क है वो कौन सा टॉर्क है, नेट टॉर्क है या किसी एक फोर्स का टॉर्क है? मैं नेट टॉर्क है। ऑब्वियसली ये टॉर्क नेट ही होता है, जब इफ इक्वल टू में लिख दो तो ये नेट ही होता है, कोई एक फोर्स नहीं होता, सारे फोर्स का समेशन। उसे यहाँ पे टोटल जितना ही फोर्स है सारे का नेट टॉर्क। अब यहाँ पे नेट टॉर्क ये इंटरनल फोर्स का भी हो सकता है, एक्सटर्नल का भी हो सकता है, बट तुम जानते हो इंटरनल फोर्स का टॉर्क जीरो होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इंटरनल बोल रहे हैं। कोई पूछे इंटरनल को क्यों छोड़ रहे हो, मतलब इंटरनल भी ले लो मन है तो बस उसका टॉर्क ही नहीं आएगा, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क जीरो होता है। तो यहाँ टॉर्क नेट लिखो या टॉर्क एक्सटर्नल लिखो बात देखी है, चूंकि इंटरनल फोर्स का टॉर्क जीरो होता है, तो कुछ बुक में देखो तो यहाँ पे टॉर्क नेट लिखा रहता है, कुछ बुक में टॉर्क एक्सटर्नल लिखा होता है, बात देखिए टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू टॉर्क नेट होगा चूंकि इंटरनल का टॉर्क जीरो, तो यहाँ टॉर्क एक्सटर्नल ही लिखते चूंकि इंटरनल का टॉर्क जीरो होता है। तो क्लियरली यहां से देख सकते हो, अगर हम मान लें कि LHS जीरो है मतलब टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है, वो तो ऑब्वियस प्रिंसिपल है। अगर हम मान लें कि टॉर्क एक्सटर्नल जो है वो जीरो है, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब dl by dt जीरो हो गया। किसी चीज का रेट ऑफ चेंज जीरो कब हो सकता है, जब वो चीज कांस्टेंट हो, तभी कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो हो सकता है। dl by dt अपने पास आ गया जीरो, इसका मतलब l को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कोई चीज अगर वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन थ्रू आउट जीरो नहीं आ सकता। तो यहां से आगे अपने पास कंक्लूजन, एल ऑफ द सिस्टम या फिर बॉडी, जिस भी बॉडी पे टॉर्क जीरो दिख रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम तुम कंजर्व करा सकते हो, यानी एल इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से लिखे तो एल उसका चेंज होने वाला नहीं है, इनिशियली जितना रहेगा उतना ही फाइनल रहेगा। और यह एल एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क जीरो दिख रहा है उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेना है, क्योंकि टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट लिया जाता है। जी भैया, फोर्स हम लोग नहीं बोला करते थे, फोर्स सीधा बोल दो इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, फोर्स नहीं बोलते थे कि इस पॉइंट के अबाउट इतना फोर्स, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे, बट टॉर्क में एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, टॉर्क इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट या एक्सिस, ठीक है। तो लैंग्वेज में लिखना तो लिख सकते हो, इसी जो भी हम लोग लिखे हैं इक्वेशन को उसी को जस्ट वर्ड्स में लिख दो तो इसका स्टेटमेंट हो जाता है, और वह स्टेटमेंट कुछ ऐसा तुम लिख सकते हो, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, ऑब्वियसली इंटरनल नहीं ले रहे हैं, इंटरनल जीरो होता है सबको पता है, इसलिए यहाँ पे नेट एक्सटर्नल ही बोला जाता है। एक्सटर्नल टॉर्क ऑन बॉडी या सिस्टम, जो भी बोलना चाहो चलेगा, सिस्टम इज जीरो अबाउट पॉइंट या फिर एक्सिस, किसी पॉइंट या एक्सिस क्वार्टर में टॉर्क जीरो होता हुआ दिख रहा है अगर, देन द
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ या सिस्टम अबाउट दैट पॉइंट, उस पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर टॉर्क जीरो, उसी पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि दूसरा पॉइंट पर कंजर्व होगा. दिस इज कांस्टेंट या कंजर्व जो भी बोलते हैं. वर्ड्स मोर स्टेटमेंट होपफुली हमने कर लिया, डेरिवेशन भी कर लिया, बहुत ही इजी डेरिवेशन भी है इसका, लॉजिक बहुत इजी. इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्वेश्चन में अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि हम लोग लीनियर मोमेंटम पे प्रैक्टिस किए थे. अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम पे करता. तो हम लोग तीन चार क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है. उस तरीके का क्वेश्चन आए भी हुआ, इवन जेईई एडवांस में भी आया हुआ, बराबर आया हुआ, एक ही तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा कर. चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन. स्टेटमेंट देख लो, किसी को स्टेटमेंट में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. ऑब्वियसली बोले या ना बोले, कल डिस्कस कर चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल डीएल बाय डीटी इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है, कल बोले हुए थे. इसीलिए या जो भी तुम पढ़ रहे हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, यह भी इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होगा. ये तुम्हारे मन में होना चाहिए, वो अलग बात है. क्वेश्चन करते हो तुम लोग को उतना सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए. सच्चाई है कि ये जो प्रिंसिपल है वो भी इनर्शियल फ्रेम के लिए ट्रू है. जब हम बोल रहे टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज जीरो, उस पॉइंट को मान रहे हैं इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो टॉर्क इक्वल टू डीएल बाय डीटी तुम लिख ही नहीं पाओ, सूडो टॉर्क है तो वहां पे नहीं बोल रहे, बट मन में तुमको ये पता होना चाहिए इनर्शियल फ्रेम के लिए. चलो ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल पे. एक बार जस्ट लिखना है, बंदे नोट करना है ये वाला पार्ट. आराम से पढ़ो और उस सिचुएशन को इमेजिन करो मन में, क्या बोला जा रहा है, कौन चीज कैसा रखा हुआ, जस्ट उसको समझो. बाकी सॉल्व हम लोग करेंगे साथ में. देखो क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हें, एक रड दिया गया है लेंथ का ऑफ मास एल, लेंथ है, ये मास है और लेंथ एल है, कैन फ्रीली रोटेट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल, मतलब रड जो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है. तुमको ये मन में चलना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे हम ही लोगों को पढ़ा रहे हैं कि मेरा लैपटॉप वर्टिकल है इसका स्क्रीन, तो मेरा मन उसके अकॉर्डिंग चलेगा. बट नहीं, क्वेश्चन बोल दिया स्मूथ हॉरिजॉन्टल, तो तुमको सोचना है हॉरिजॉन्टल के हिसाब से. ये चीज बहुत लोगों को नहीं होता है, मतलब क्वेश्चन ने बोला बट उसका जो नेचुरल फीलिंग है उससे सुन के लगता है गलत हो जाता है. तुमको अच्छे से देखना है क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन. हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, मन में सोचो कि हाँ भाई ऐसे हॉरिजॉन्टल कुछ है जहाँ पे रड रखा हुआ है, एच पॉइंट के अबाउट हिंज द रड, यानी एच पॉइंट तुम्हारा क्या है फिक्स्ड. मतलब ये मेरा बोलने का मतलब, ये रड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है. ये अगर मान लो मोबाइल है, इसको रड जैसा तुम मान सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट हिंज एल लेंथ इसका, ठीक है. अब बोल रहा अभी ये रड क्या है इनिशियली रेस्ट पे, क्वेश्चन में आगे बोला होगा, देख लो कुछ बोला है क्या रड के बारे में इनिशियली. इनिशियली कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब रड को इनिशियली रेस्ट पे मानेंगे. अब क्या हो रहा है इधर से, ए पॉइंट मास हैविंग सेम मास एम, रड का जितना मास है उतने ही मास का एक पॉइंट मास आ रहा है और वो सुन पा रहे हो क्या, इंटरनेट अचानक से गायब हो जाता है. जी भैया जी, बीच में आवाज कट कर गया था. अरे बहुत इरिटेटिंग हो जाता है मतलब. चलो ठीक है, वापस से बोल देते हैं क्वेश्चन को. एल लेंथ का रड है, इस एच पॉइंट के व्हाट हिंज्ड, इनिशियली रड रेस्ट पे ऐसे रखा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है. इस हिंज से 3L/4 डिस्टेंस पे एक एम मास का पॉइंट, एम मास का पॉइंट मास, एक पॉइंट मास एम आ करके क्या हो रहा है, यू वेलोसिटी से यहां पे टकरा रहा है. किस पॉइंट पे टकरा रहा है, उस हिंज से 3L/4 डिस्टेंस पे. पूरा लेंथ रड का एल है, ये पूरा लेंथ. ऑब्वियसली जब ये टकराएगा, टकराने के बाद यह रड चूंकि यहां फिक्स्ड है, प्योर रोटेशन करने से ऐसे घूमने लगेगा. जी घूमने लगेगा तो कोई एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा. वही तुमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रड आफ्टर कोलिजन, यानी टक्कर के बाद ये रड कितने ओमेगा से घूमने लगेगा,
या ओमेगा तुमसे पूछा गया। तो क्वेश्चन करना कैसे वो देख लो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम बोल रहे हैं। सबसे पहले तुमको क्वेश्चन का इनिशियल सीन को समझना है कि स्टार्टिंग में क्या सीन है, फिर देखना है फाइनली क्या सीन हो जाएगा। दोनों डायग्राम को अलग अलग बनाना है, लेफ्ट में इनिशियल सीन, राइट में फाइनल सीन। इधर लेफ्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालो, राइट का एंगुलर मोमेंटम निकालो और दोनों को इक्वेट करो। यही करना है, लीनियर मोमेंटम वाले क्वेश्चन में वैसा ही क्या करते थे हम लोग, कोई कूद गया तो कूदने के पहले क्या सीन था वो देखो, कूदने के बाद क्या हुआ वो देखो, दोनों का मोमेंटम निकालो, इक्वेट करो। तो वही कुछ यहाँ पे करना है। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है मन में कि भाई यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, हमको ये कौन बता दिया? हेलो, सुन पा रहे हो क्या मेरा आवाज? जी भैया। एच पॉइंट के अबाउट टॉर्क तुमको देखना है, किसी भी फोर्स का जो टॉर्क है ना वो एच पॉइंट से जाने वाले एक्सिस के अबाउट नहीं आ पाएगा। ये कैसे समझोगे? अच्छे से हॉरिजॉन्टल मन में सोचो, देखो वेट आ रहा होगा, उसका टॉर्क लेकर देखो, तुमको दिखेगा टॉर्क आ ही नहीं रहा है किसी। ये तुम लोग का टास्क है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं जस्ट कि अगर इस रड को और इस पॉइंट मास को अगर हम सिस्टम ले ले एक साथ, हमारा सिस्टम क्या है? रॉड बॉल जो मास है, जो भी बोल लो, सिस्टम हमारा जो है वो रॉड प्लस पॉइंट मास। तो हम ये बोल रहे हैं इन इस सिस्टम का टॉर्क एच पॉइंट के अबाउट जीरो, ये हमारा क्लेम है। टॉर्क अबाउट H ये सिस्टम ले लेंगे तो इसमें जितना फोर्स लगेगा वो सब इंटरनल हो जाएगा। फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, देखो फ्रिक्शन क्वेश्चन स्मूथ बोल दिया हॉरिजॉन्टल पे, तो फ्रिक्शन है नहीं, एक्सटर्नली लग नहीं रहा, फ्रिक्शन का टॉर्क है नहीं, इंटरनल फोर्स का टॉर्क जीरो होता है, उसको सोचना है नहीं, क्योंकि टक्कर हुआ तो अंदर का जो फोर्स है इंटरनल का टॉर्क जीरो होता है, तो वो जीरो हो गया। गेम फंसता है कि mg का टॉर्क कहां जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, रड का mg आ रहा है, उस mg का टॉर्क कहां जाएगा? ऐसा फील आता है कि mg into l by 2 टॉर्क आएगा रड का एच पॉइंट के बाद, पता नहीं समझ पा रहे हो कि जी भैया। ये तुम लोग क्वेश्चन है एक्चुअली, इस पे सोचता नहीं, बहुत बच्चा सोचता भी नहीं, पर हम सोचने के छोड़ रहे हैं तुम लोगों को, सोचना एमजी का टॉर्क आता हुआ अपीयर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एमजी का टॉर्क तो आएगा, फिर भी कंजर्व करा रहे हैं टॉर्क जीरो कैसे बोलते हैं, ये तुम लोगों का क्वेश्चन है, बट फिलहाल के लिए समझ लो टॉर्क एच के अबाउट जीरो है, बट तुम लोगों को एक सोच के आना है एमजी का टॉर्क कहां जा रहा है, ठीक है? ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तुम लोग को छोड़ रहे हैं सोचने के लिए। चलो हम लोग टॉर्क जीरो हो गया, इसीलिए एच पॉइंट के अबाउट बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एच पॉइंट के अबाउट जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। ये नोट कर लेना जो हम बोले एमजी के टॉर्क के बारे में, जाके सोचना है तुम लोग। एक्चुअली ये एच पॉइंट नहीं है, पहले बोल देते हैं एच वाला एक्सिस है, और एक्सिस के अबाउट हम बोले हुए तो टॉर्क का मतलब होता है टॉर्क का वह कंपोनेंट जो उस एक्सिस के अलॉन्ग हो। mg का टॉर्क आएगा बट वो एक्सिस के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट जीरो होगा। एक्चुअली जो रियलिटी हम बोले थी, mg का टॉर्क आएगा बट h वाला जो एक्सिस है ना उसके परपेंडिकुलर आएगा, तो भाई कोई चीज परपेंडिकुलर है तो उसके अलॉन्ग कंपोनेंट cos 90 जीरो। इसीलिए हम लोग mg का टॉर्क होते हुए भी h पॉइंट पर टॉर्क आएगा लेकिन वो h वाले एक्सिस जो एक्सिस h के अबाउट जो अंदर और बाहर जाएगा एक्सिस उसके परपेंडिकुलर आएगा टॉर्क। हाथ घुमा के देखना, घर पे जाना हाथ घुमा के देखना, तुमको दिखेगा mg का टॉर्क जो आ रहा है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो भाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना जीरो, तो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट अभी भी जीरो है, वाली टॉर्क है बट कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू गए जीरो है, इसीलिए h वाले एक्सिस के अबाउट टॉर्क कंजर्व करा सकते हैं।
जी भैया, अब कंजर्व कराते हैं तो यानी यहाँ में ये करना है एच पॉइंट के और भैया। हाँ बोलो नहीं भाई, ये वो क्वेश्चन है, फिगर क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा फिगर क्लियर नहीं हो रहा है क्या? ओके ओके ओके। नहीं हमारा ये रॉड पर हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, फिर कोलिजन के बाद वर्टिकल में। ना 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 नहीं 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 वर्टिकल नहीं कर रहा, गलत समझ लिया तुम। रुक जाओ, देखो ऐसा कुछ तुम ऐसे समझो टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो क्या? जी भैया। हाँ तो टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो तो जस्ट तुम ऐसा समझो टेबल पे तुम पेन रख दो, ठीक है, मान लो पेन और टेबल के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं, इक्वेशन नहीं, बोला है स्मूथ प्लेन है। जस्ट तुम ऐसे पेन रखो यार, ऐसे उंगली से ऐसे हिट करो, ये कैसे घूमेगा? टेबल में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही करेगा। जी भैया, भाई नीचे कोई सब चीज पे रखा हुआ है ना यार, जो घूमेगा तो भी तो हॉरिजॉन्टल ही करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि वर्टिकल करेगा, ये ऐसा है और नीचे से रखा हुआ है किसी चीज पे, तब इसको हिट कर, मान लो उंगली से हिट करे ऐसे, उंगली यानी पॉइंट मास कहीं पे हिट करे, कैसे घूमेगा? हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में करने को स्कोप ही नहीं। जी भैया, हाँ भैया, पे हमको लग रहा है ये सारा काम हो रहा है इस क्वेश्चन नीचे से लग रहा है। हाँ यानी अभी ये रुका होगा, अभी ये रुका होगा, मान लो मेरा हाथ पे ये हिंज्ड है एच पॉइंट, हम इसको क्या किए यहाँ पे हिट किए, हिट किए तो किसी ओमेगा से घूमने लगा, ओमेगा तो मेरी बात। तो एच वाले एक्सिस के व्हाट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये एच इसलिए लिख रहा है कंफर्म करने के लिए एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। एग्जाम में तुमको इतना लिखना नहीं होता, बट हम लोग अभी अच्छे से समझ नहीं लग रहा, एग्जाम में तो डायरेक्ट तुम इक्वेशन मत लिखो, लिखो मोमेंटम कंजर्व करो डायरेक्ट आंसर, बट अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अच्छे से समझ लेंगे। चलो ये हो गया तुम्हारा, अब इनिशियल इक्वल टू फाइनल हमें करना है, तो इनिशियल का डायग्राम हमें अलग से बनाना है, फाइनल का डायग्राम अलग से बनाना है, इनिशियल का एंगुलर मोमेंटम अलग निकालना है, फाइनल अलग निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है। तो इनिशियल डायग्राम का क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ करना है हमको, इनिशियल डायग्राम हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है, फाइनल डायग्राम क्या होगा? जी ये कुछ मतलब रॉड रोटेट कर जाएगा, मेरे रॉड का मतलब ज्यादा स्पेशल एंगुलर वेलोसिटी कुछ आ जाएगा, इनिशियली रॉड का ओमेगा 0 है रॉड रेस्ट पे। जी भैया, तो इनिशियली एक्चुअली ओमेगा है ही नहीं जो हम दिखा दिए हैं लेफ्ट वाले डायग्राम में, यहां पे आके इसके पास कुछ ओमेगा आ जाएगा, यहां पे आकर के इसके पास कुछ ओमेगा आ जाएगा रॉड के पास, ये तुम्हारा एज पॉइंट होगा, और ये छोटा सा पॉइंट मास इनका क्या होगा टक्कर के बाद, क्वेश्चन में बोला है वो छोटा सा पॉइंट मास एम स्ट्राइक्स द रड एंड स्टिक्स टू इट, वो जहां पे टकरा रहा है जाके रड में चिपक जा रहा है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। जी भैया, मतलब छोटा मास एम जो है ये यहां कहीं दोनों कॉलम्स पे है, छोटा मास एम रड के साथ ही चिपक जा रहा है और फिर रड के साथ ही रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ दोनों का स्पीड सेम ही हो जाएगा फाइनल। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मतलब उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट हो जा रहा है, मतलब आया ऐसे रड रखा होगा, ऐसे आया हिम्मत आया इसमें चिपक गया, फिर दोनों साथ में ऊपर निकल। जी तो छोटा वाला पॉइंट मास एम जिसका एम मास दिए हुआ है, एम मास ये एम मास प्लस रड का भी मास एम ही है, अब तुम एम मास हो जाएगा नए वाले केस में। जी भैया, ये डायग्राम हो गया हमारा, ठीक है, ये इनिशियल डायग्राम हो गया तुम्हारे पास, इनिशियल इनिशियल सिचुएशन और ये तुम्हारा फाइनल सिचुएशन, जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन जो बोलना चाहो तुम पे डिपेंड करता है, फाइनल ठीक है। चलो इनिशियल वाला डायग्राम से हम लोग इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लेफ्ट में निकाल लेंगे, ओमेगा तुम्हें पता नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू आर, यही ओमेगा तुमसे पूछा, ओमेगा वेरिएबल है, हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाना और ओमेगा के लिए सॉल्व करना है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो भाई बोलो इनिशियल में रड का कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा क्या? इनिशियल नहीं भैया, लेकिन इसका तो होगा पॉइंट मास एम का जो यू से मूव कर रहा है। जी सिस्टम में दोनों को लिए हो तो तुमको दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड करना है, इनिशियल भी और फाइनल भी, वो एक सिस्टम नहीं है ये, देखो यहां पे। जी हां, जब तुम इनिशियल का बात कर रहे हो तो इनिशियल में भी तुम्हें रड का भी लेना है प्लस पॉइंट मास का भी लेना है, फाइनल में भी तुमको रड का भी लेना है प्लस पॉइंट मास का भी लेना। जी अगर आप इनिशियल का बात करें तो इनिशियल में रड का एंगुलर मोमेंटम जीरो रेस्ट पे है, भी ही जीरो है, प्लस
पॉइंट मास के एंगुलर मोमेंटम। तो भाई यहाँ पे अगर पॉइंट मास यू से ऐसे मूव कर रहा है तो एच पॉइंट के अबाउट कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, एम इंटू वी इंटू आर, आर हो जाएगा 3L/4 एच से। जी भैया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास का हो जाएगा मास एम, स्पीड हो गया यू 3L/4, बिल्कुल से स्पीड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3L/4 3L/4। अब यहाँ पे ये इनिशियल तुम लोग लिख ली, अब ध्यान यहाँ पे ये भी देना है तुमको, जो एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो उसका पीछे में साइन प्लस या माइनस, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क जैसा है। जी भैया, तो क्या होता है मोमेंटम आर क्रॉस भी, आर क्रॉस पी, तो आर तुम्हारा ऐसे है, ऐसे है बाहर की तरफ इस पॉइंट के अबाउट, भी तुम्हारा ऊपर की तरफ है, ये आर, ये भी, आर से भी की तरफ जाओगे ऐसे घूमे हुए एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है। जी जैसे आर क्रॉस एफ करते तो इसमें आर को भी के साथ करो, आर को भी के साथ करो या पी के साथ करो, बात एक ही डायरेक्शन के लिए, P का जो डायरेक्शन होगा वही P का होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ पे प्लस ले रहे हैं। ये हम बार बार बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत बच्चा लोग को धोखे में सही कर देता है, प्लस लिखने का तो था जीरो प्लस लिख दिया, उसको पता है एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस ले रहे हैं, सीधा लिखता है इंटू यू इंटू 3L/4, पीछे प्लस माइनस देखा नहीं, गड़बड़ होता है कभी कभी इसलिए बोल रहे। तो तुमको तमीज से देखना है, जब जोड़ रहे हो दोनों को तो देखो क्या भाई क्लॉकवाइज आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क जैसा है, साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, ये हम बोलना चाह रहे हैं। चलो ठीक, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिख दिए, फाइनल आते हैं दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ अगर हम देखें तो रड का एंगुलर मोमेंटम एच पॉइंट के अबाउट कितना होगा, तो हम बोलेंगे कल पढ़े थे कोई भी रिजिड बॉडी अगर प्योर रोटेशन कर रहा है तो सीधा फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का आई टाइम्स ओमेगा। जी यार, एच के अबाउट रड का आई हो जाएगा ML स्क्वायर बाय 3। जी हाँ भैया, कल वाला भैया यूज कर रहा। हाँ बोलो बोलो, फाइनल में रड का मास यूनिफॉर्म थोड़े हो जाएगा, हम सिर्फ रड का सोचे तो रड का भी यूनिफॉर्म नहीं है, अभी हम पॉइंट मास पर ऐसा सोचो, ये रड बिल्कुल तुम्हारा मास समझ रहे हैं, रड ऐसे है पॉइंट मास में चिपका हुआ, हम बोल रहे हैं दो पार्ट में सोचते हैं, रड का अलग अलग मोमेंटम निकालते हैं फिर पॉइंट मास का अलग निकालते हैं, हम ऐसे सोच रहे हैं, हम ऐसे सोचते हैं, एक बार सिर्फ रड सोचो फिर पॉइंट मास सोचो, दोनों का ऐड कर देंगे टोटल आ जाएगा। तो सिर्फ अगर रड को सोचो तो रड अभी भी यूनिफॉर्म ही है भाई, पॉइंट मास को अगर साइड कर दो तो अभी भी तो यूनिफॉर्म ही है, एम एल स्क्वायर बाय 3, रड का आई ओमेगा, आवाज सुन पा रहे हो मेरा, बीच में देखो तो पॉइंट मास भी चूंकि इसके साथ चिपक गया है तो पॉइंट मास का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा ही हो जाएगा, ओमेगा नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी हम mvr लगाएंगे इसके लिए, पॉइंट मास के लगाएंगे mvr वाला फार्मूला एंगुलर मोमेंटम, तो सर्कुलर मोशन करने लगेगा वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा, क्या हो जाएगा स्पीड r टाइम्स ओमेगा, dl/4 टाइम्स ओमेगा। जी भैया, हां तो ये भी तुमको ध्यान है, तो वही हम अलग से डील कर लेते हैं इसका रोटेशन जो भी है, तो इसका स्पीड हो जाएगा 3L/4 टाइम्स ओमेगा, क्योंकि ये रॉड के साथ ये क्या होगा सिंपली एक सर्कल में घूमने लगेगा ऐसे, सर्कुलर ज्यादा सोचो सिंपल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन से जानते हो 3L/4 डिस्टेंस टाइम्स ओमेगा बी इक्वल टू आर ओमेगा, तो एम मास का है इसका स्पीड इतना और डिस्टेंस तुम्हें पता ही है, तो एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो वापस मास इनटू स्पीड
3L by 4 times omega, circular motion से speed लिए हैं, into distance कितना होगा x से इसका 3L by 4। ये angular momentum का basic definition लगा रहे हैं point mass के लिए, mass into velocity into perpendicular distance from the point। जी भैया, तुम्हें वापस से फिर देखना चाहिए पीछे कि पॉइंट मास के अंदर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो देखो यहाँ पे देखो वापस एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये तुम्हें खुद से सोचो, आर ऐसे है पर है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस ही होगा। रड का तुम माने हो ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो रड का भी एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है एंगुलर मोमेंटम ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी प्लस ही होगा। इसलिए दोनों जगह प्लस लिए, ये तुमको चेक हमेशा करना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्टली ऐड करने का ऐड कर, उल्टा माने रहते हम तो माइनस भी आता, वो आएगा क्वेश्चन वगैरह, इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ पे अलग बात है, प्लस प्लस ही हो रहा है क्योंकि सब एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है, आर क्रॉस भी बार बार। अब कुछ नहीं तुम्हें करना है, इस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये इक्वल टू ये कर दो, सिर्फ ओमेगा अननोन होगा, ओमेगा आ जाएगा, सॉल्व करो ओमेगा निकालो तो फिर मास मास तो कट ही जाएगा, मास के टर्म्स में आंसर नहीं आने वाला क्योंकि मास सारे टर्म्स में आएगा। कुछ नहीं करना, तो इक्वेट करना है जस्ट, और ओमेगा देखो कॉमन ही आ रहा है राइट हैंड साइड, ओमेगा कॉमन ले लो, बाकी सबको डिवाइड में ला दो, सॉल्व कर लो जो भी आंसर। मेथड वे 36 यू बाय 43 एल है, 36 जी बाय 36 यू ओके 36 यू, वही तो हम बोले जी कहां से आ गया, 36 यू बाय 36 यू बाय 43 बाय, चलो 43 एल ओके, चलो 43 एल दोनों लोगों का वही आंसर आ रहेगा, तुम दोनों का जस्ट इक्वेट करो और आंसर मैच करो, इसमें कुछ नहीं करना है। चलो ठीक है, ये तुम्हें घर पे भी करना, कल हम सारे का आंसर एक जगह डिस्कस कर लेंगे, मैच कर लेंगे हम लोग, ये करना है, इक्वेट करना ओमेगा निकालना, ठीक है। मेन तुमको ये देखना है कि हाँ कैसे हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है कैसे, फिर उसके बाद तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, फिर तो वो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, क्या इक्वेशन सॉल्व करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, और लेना है तो और नोट कर लियो तो फिर कोई बात ही नहीं। चलो ठीक है, फिर वापस से बोलते हैं, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जाके वापस से घर के सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना।